नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्रशिक्षु इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। आपसे एक ही मात्र रिक्वेस्ट होता है, सच में जो हम जिक्र करने वाले हैं ध्यान सुनिएगा। बहुत ही अच्छा, सुनहरा और इधर से बहुत बेहतरीन टॉपिक है। और 2021 का जो DLED एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर का, कब होने वाला है इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और 2019 में जो प्रशिक्षु अभी दे लेंगे थर्ड सेमेस्टर, उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम उनका कब तक हो जाएगा, आगे शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे कि नहीं होंगे, और UPTET CTET के लिए वैलिड होंगे कि नहीं होंगे, सारी चर्चा करेंगे। और प्लस प्रत्यावेदन वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका भाई है, इस बार इनका एग्जाम 2021-22 के प्रशिक्षुओं के साथ होने की पूर्ण संभावना है, मतलब बहुत बेहतरीन संभावना है। जिनका प्रत्यावेदन 15 जनवरी से पहले पहले जमा है वो बिल्कुल तैयार रहें, इस बात को लेकर आश्वस्त रहें कि उनका एग्जाम 2021 बैच के साथ ही होगा। अब 2021 बैच का जो एक तरह से बात कर लें, जो इनका प्रशिक्षण समाप्त कब हो रहा है, पहले अप्रैल लास्ट में समाप्त हो रहा है इनका प्रशिक्षण, और एक मई से लेकर मतलब लास्ट मई में इनका एग्जाम स्टार्ट होगा। लास्ट मई में इनका एग्जाम स्टार्ट होगा, या फिर मिड, ज़्यादा लेट होगा तो मिड जून में इनका एग्जाम स्टार्ट होगा। मात्र 8 या 9 दिन, लगभग 10-15 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। ये हो गया 2021 बैच के प्रशिक्षकों के साथ जिनका एग्जाम स्टार्ट होगा। उनकी मैथ्स क्लासेस भी चला दिए हम लोग, आप लोग देखिए प्लीज़। जो प्रशिक्षु नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने बेल आइकन पर नहीं क्लिक किया है वो बेल आइकन दबा लेंगे भाई, रिक्वेस्ट है। आपको आने वाले समय में फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, UPTET, CTET सब कुछ दे दिया गया है। आप आकर प्लेलिस्ट में तो झांकिए एक बार। DLED 2019, अगर बात करें DLED 2019 के फोर्थ सेमेस्टर की बात हम आशा लगाएं, देखिए पहले इसकी बात कर लेते हैं प्रत्यावेदन के लिए। तो इनकी बात करें तो अगर मई में इनका एग्जाम हो रहा है तो भाई, क्योंकि इनका अभी अगर फिलहाल में देखें प्रेजेंट टाइम में, तो इनका एक तरह से एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भराया गया है, तो इस बार तो एग्जाम होने की संभावना नहीं है। लेकिन 2021 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु के साथ होने की पूरी तरीके से संभावना है, इतना समझ लेंगे। आप लोग का एग्जाम जो होगा प्रत्यावेदन वालों का 2021 बैच के साथ मई में होगा, आप लोग तैयारी में जुट जाइए अभी से। यह मत कहिए बहुत बहुत सस्ता है, बहुत खस्ता है सब्जेक्ट मैथ में लगा है, फिर से पढ़ लेंगे, सर तो पढ़ाई है। लेकिन अगर अभी से जुटेंगे ना, हमारी बातों को गांठ बांध के रख लीजिए, जितनी चीज़ें छोटी होती हैं उतना दर्द देता है। पिंपल जितना छोटा होता है उतना चुभन करता है, याद रखना। भले सब्जेक्ट आपको छोटा लगता हो, आसान लगता हो, लेकिन जब उसमें बैग लगता है ना, तो नानी दादा जो गए हैं ना, सब याद आ जाते हैं। सच में अगर पढ़ लिया होता, 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लिया होता पेपर के समय तक, आप 10 बार रिवाइज कर लेंगे ना, तब भी अपने आप को संतुष्ट मत मानिएगा, इतना समझ लीजिए। सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैग है प्रत्यावेदन के लिए, जिन्होंने दिया है 2018-2017 बैच, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है महोदया जी, आप हमसे बड़े हैं, हमें पता है आप मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, सभी लोग हमसे बड़े हैं, मुझे पता है हम एज में बहुत छोटे हैं, भले एज में छोटे हों, लेकिन थोड़ी सी जो मानवता है वो हम आपको दिखाते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके हित के लिए प्रार्थना करते हैं कि सारे क्लास मैथ के 2 से 3 बार देख डालिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको लगता है सर हमारे लिए, हमारे भैया हमारे लिए, हमारे जो भी समझो मुझे आप, है ना, तो हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सच में आप देखो उस चीज़ को, आपके लिए सारी चीज़ें की जाती हैं, वीडियो आपके लिए लाई जाती है, आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, कभी लेने की भी प्रयास नहीं करते हैं कि सर के साथ हम अच्छा करें, हेल्प करें दूसरों का। पता है अगर आप दूसरे का हेल्प करेंगे ना, मतलब दूसरे तक ये वीडियो पहुँचाएंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, तो आपका पता है भगवान हेल्प करेगा। सच में कुछ प्रशिक्षक होते हैं बस देखते हैं चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं मतलब होता दुनियादारी से, आदमी सामने वाला कितना बोलता है क्या समझाता है उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, मतलब देखे अपना काम निकला। पता है प्रभु भी ऐसे लोगों के साथ अन्याय करते हैं, अगर आप दूसरे का हेल्प करेंगे देखना उस दिन से आपकी ज़िंदगी कितनी सुधर जाएगी। सच में हेल्प करिए, हेल्प करने से आपकी जो चीज़ें हैं ना वो दुगनी तिगनी रफ्तार से बढ़ने लगेंगी, आपकी सोच में बढ़ोतरी लाइए, बस यही कहना चाहते हैं हम। नहीं तो फिर हमको पढ़ाने से क्या फायदा, हम सारा ज्ञान थोड़े दे देते हैं आपको, हमारा ज्ञान ही तो बढ़ता है भाई देने से, तो आप उस चीज़ को दीजिए दूसरे तक पहुँचाइए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। आज के बाद जितने भी क्लास आप देखोगे, स्टेटस लगाओगे, शेयर करोगे फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ जुड़े हो, इंस्टाग्राम वगैरह पे, हर जगह शेयर करेंगे आप, प्लीज़ रिक्वेस्ट है अपने भाई बहन घर के मोबाइल से सब्सक्राइब करा दीजिए। और यहाँ पर बात करें DLED 2019 बैच के फोर्थ सेमेस्टर की बात, तो याद रखना अगर इनका एग्जाम अभी होता है अप्रैल, 10 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाता है, मान लेते हैं 15 या 20 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा इनका एग्जाम, क्योंकि 24 अप्रैल से पहले इनका एग्जाम खत्म होना तय है, DLED वालों का भी और BED वालों का भी 24 अप्रैल से पहले एग्जाम खत्म होगा। और क्योंकि BED का 3-4 दिन चलेगा, इनका भी 3-4 दिन चलेगा, खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इनका जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा, जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होगा भैया इनका कब होगा ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मई जून, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा, जब स्कूटनी के रिजल्ट में 2-3 महीने लग रहे हैं, तो ये एग्जाम सेमेस्टर वाला है, प्लस बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 38-39 हज़ार प्लस, केवल मतलब 48 हज़ार के आसपास में केवल 2019 बैच के हैं, और प्लस और बच्चे भी हैं, तो सबकी कापियाँ एक साथ ही आएंगी, चेक होंगी तो इस प्रकार से देखें तो मतलब मान सकते हैं 90 हज़ार के आसपास में टोटल बच्चे होंगे, और प्लस
उधर देखेंगे तो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो जाएगा मई जून में। तो मई जून के बाद मतलब इनका रिजल्ट देखेंगे तो कब तक आएगा, अगर अप्रैल में होता है एग्जाम, अप्रैल के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई जून जुलाई अगस्त, मतलब जब सीटेट का पेपर होता रहेगा वही तब आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब रिजल्ट आएगा अगस्त में, तो अगस्त से इतना याद रखेंगे कि अगस्त के एक महीने बाद ही आपके फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम शेड्यूल हो जाएंगे, जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब सितंबर के आसपास में होंगे या तय है, सितंबर के आसपास में हो सकता है रिजल्ट भी आए, एक आध महीना लेट हुआ आगे पीछे हुआ तो सितंबर में ही आपके पेपर होंगे, सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। मतलब आपको 2022 क्लियर करते करते आप यूपीटेट भी क्रॉस करोगे बहुत बेहतरीन नंबर से, सीटेट भी पास होगे बहुत बेहतरीन नंबर से, सुपर टेट आपके सामने होगा, इतना जज्बा बना के रखो, हौसला बुलंद, तभी मिलती है मंजिलें। याद रखना हम कुरकुरे के लिए जितनी भी चीज़ें करते हैं सच में बहुत शिद्दत से करते हैं, तो आप भी इस कदर से कम करो, बिल्कुल शिद्दत से करो, वो चीज़ें आपको मिलेंगी, श्योर मिलेंगी, बस लगे रहो, मन लगाकर, तन लगाकर, धन लगाकर। हमें भाई सीखने को एक चीज़ मिला है तन मन धन से, पूछा गया कुरकुरे से भाई क्या कैसे, कुरकुरे ने पूछा कैसे क्या करोगे, तो हमने कहा भाई हम कैसे करेंगे मैं नहीं पता, तो उन्होंने बोला कि तन मन धन से करना, आज के बाद तन मन धन से बोलो, तो हम भी तन मन धन से बोलते हैं आपके साथ, हमेशा तन मन धन से लगे रहेंगे, सारे क्लास आपके लिए लाएंगे, खुद पढ़ाई करेंगे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रहती हैं, लेकिन आपको क्या है सिर्फ शेयर करना है, देखना क्लास, आप इतना भी नहीं कर सकते। मित्र आपके सहयोग के लिए यहाँ पर खड़े हैं, तब तक सहयोग करेंगे जब तक इसमें जान है, सच बता रहे हैं, बस यह प्लेटफॉर्म आपका है, इसको शेयर कर दीजिए। और आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, एक भाई का रिक्वेस्ट है, एक शिक्षक का रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़ाने का प्रयास करें, यह आपका है, यह आपके लिए बनाया गया है, आपसे जुड़ा है, आपकी फैमिली है, अपनी फैमिली को हर कोई हिफाजत करता है, हर कोई चाहता है हमारी फैमिली में बहुत मेंबर हों जिससे कि हमारी संख्या बढ़े, एक ऐसी है परिवार है ना, आपका हमेशा यहाँ पर सहयोग करेंगे, जब भी कहेंगे तब मतलब हर एक चीज़ से सहयोग करेंगे भाई, हम आपको कभी नहीं छोड़ने वाले हैं, कभी भी नहीं छोड़ने वाले हैं, इतने याद रखना, बूढ़े हो जाएंगे, दाढ़ी ओढ़ी हो जाएगा ना, हमारा कुरकुरे हमारे साथ खड़ा रहेगा यहाँ पर, तो तब भी हम आपका सहयोग करेंगे, इतना याद रखेंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इसको शेयर करिए, आपसे विनम्र विनती है महोदया जी, इसको शेयर करिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन है, कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो उसके बारे में जिक्र करेंगे, वैसे पूरे दिन जितने क्लास आएंगे उसको फॉलो करिए। धन्यवाद।